मैंने काफ़ी मेडिसिन भी यूज़ करी, मैंने मिनॉक्सिडिल भी 1 से 2 इयर्स तक यूज़ किया, पर जब मैंने उसको स्टॉप किया तो उसके बाद उसका रिज़ल्ट मतलब रिवर्स होने लग गया। मेरा ट्रांसप्लांट जो है वो QHT टेक्निक के द्वारा किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरा नाम सौरव रावत है, मैं हरिद्वार का ही रहने वाला हूँ। मैं पिछले 1.5-2 सालों से हेयर लॉस से सफ़र कर रहा हूँ। मुझे मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने रिकमेंड किया चंडीगढ़, दिल्ली जैसी प्लेसेस में, पर जब मैंने गूगल और यूट्यूब पे सर्च किया तो मैंने पाया कि QHT जो है बेस्ट क्लिनिक है और ये मेरे एरिया में ही है, तो इससे बढ़िया चीज़ मिलने और क्या हो सकती थी। इसके बाद तो चलिए आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। अभी मैं QHT के वेटिंग एरिया में हूँ। यहाँ काफ़ी हाइजीनिक है और स्टाफ भी काफ़ी बढ़िया है। अभी मेरा डॉक्टर से कंसल्ट होने जा रहा है। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट करने का जो भी अभी प्रोसेस रहेगा आगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। बने रहे मेरी वीडियो के साथ। मेरी सर्जरी आज कंप्लीट हो चुकी है। मेरी सर्जरी को कंप्लीट होने में 2 दिन लगे। पहले दिन मेरा स्लिटिंग हुआ और आज दूसरा दिन है और आज मेरा ग्राफ्ट इम्प्लांट हो गए हैं। मेरे 4500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। मेरा ट्रांसप्लांट जो है वो QHT टेक्निक के द्वारा किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मेरे जो ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं उनको मेंटेन करने के लिए मुझे हर 2 घंटे में स्प्रे करना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है और कई चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे जंक फूड और स्मोकिंग वगैरह को अवॉइड करना है। अगर आप भी हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी ट्रांसप्लांट करवाएं। और QHT जो है वो बेस्ट क्लिनिक है। थैंक यू QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।